आज हम सब बाहर जाने वाले हैं। बाबा अकेले होंगे घर पर, उनका ख्याल रखना होगा और खाना बनाना होगा। जी आप लोग जाइए, मैं उनका ख्याल रख लूंगी और खाना भी बना दूंगी। बोलने से कुछ नहीं होगा, पता चला इधर उधर घूमती रही और वक्त बर्बाद कर दिया। अगर ये घर का काम कर पाती है तो ही इसे रखेंगे, यूं इस पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। करेगी करेगी, ज्यादा बड़ा काम थोड़ी ना है, इतना तो कर ही सकती है। दिन भर घर में सिर्फ काम ही करती हूँ मैं, कभी बैठकर आराम करते हुए देखा है आपने मुझे? दादाजी को भी संभाल लूंगी, ख्याल रखूंगी उनका, और अगर आप लोग को मुझ पे भरोसा नहीं है तो बस बड़ी बड़ी बातें मत करो। वो तो श्यामदा इस वक्त घर पर नहीं है, इसलिए तुम पर काम का ज्यादा बोझ बढ़ गया है। अगर वो होते ना यहाँ पर तो सब कुछ संभाल लेते, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात बताओ, इतना जो सुना रही हो, तुम काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? यहाँ तुम क्या करने आई हो? अनी और अर्शी की लाइफ में इंटरफेयर करने? देखिए मैं किसी की लाइफ में दखल देने के लिए नहीं आई हूं। जो कुछ भी हुआ इसलिए क्योंकि हालात ऐसे थे, वरना मैंने जान के कुछ नहीं किया। तुम हर वक्त बड़ी बड़ी बातें क्यों करती हो? चुप नहीं खड़ी रह सकती क्या? कभी कभी मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ होता है, हमेशा तो चुप नहीं खड़ी हो सकती ना मैं। मैं तो यहां से जाना ही चाहती हूं, लेकिन आप मुझे यहां से जाने नहीं दे रहे। जनक, क्यों ज्यादा बात कर रही हूं? चुप हो जाओ। बड़ों से ऐसे बहस नहीं करते बेटा। मैं बहस नहीं कर रही हूं बड़ों मां, सिर्फ सच बता रही हूं। दाल बन गई है, सब्जी बना दूं? तुम गैस पर कढ़ाई रखो, मैं आती। दादाजी, दादाजी क्या हुआ? दर्द हो रहा है आपको? दादाजी आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या हो रहा है आपको? हेलो 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 सर जी, क्या कर रहे हैं सर जी? जनक से फोन पे बात करूंगा तो बिना बात का इशू बन जाएगा यहाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।